सो हेलो फ्रेंड्स, दिस स्काई टेक एक्सपेरिमेंट्स और ये है हमारी ब्लॉगर फॉर बिगनर्स सीरीज का पार्ट नंबर 1। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो भाई, गुड न्यूज़ है भाई, गुड न्यूज़। योर साइट लिरिक्स जनरेटेड डॉट ऑनलाइन इज नाउ रेडी टू शो एड्स, यानी कि हमें एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है और अब हम अपनी सीरीज के थ्रू आपको भी एडसेंस अप्रूवल मिलने वाले हैं और 100% गारंटेड है आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप हमारी पूरी सीरीज को फॉलो करते हो। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देने जा रहा हूँ, अगर आप अपना ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और सोच रहे हैं उससे अर्निंग करने की, उसको फ्यूचर में डेवलप करें एंड एन बड़े एक लेवल तक ले जाएं और उससे अर्निंग का अच्छा खासा सोर्स बनाएं, तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए एंड खास करके इस पहले पार्ट को देख कर कुछ समझ लीजिए कि आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, क्या नहीं करना। और मैं आपके साथ अपने अर्निंग प्रूफ भी शेयर करूँगा धीमे धीमे, जैसे जैसे मेरी अर्निंग आएगी मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी वरना। एंड इंस्टाग्राम पे मैं अपने प्रूफ शेयर करता रहूँगा, तो इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एडसेंस से आया और ये रियल है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ भाई। ये मेल ही है, ये देखिए कंपोज, ये मेरा जीमेल ही है, मैं आपको ये टैब भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें मिली है एक गुड न्यूज़ लिरिक्स जनरेटेड डॉट ऑनलाइन, जो मैंने पिछले कुछ ही दिनों में मैंने अपनी एक वेबसाइट को मतलब अपने ब्लॉगर से कनेक्ट करके ग्रो करा, उस पर कुछ पोस्ट डाली एंड फिलहाल में मुझे 14 सितंबर को अप्रूवल मिल गया था। अब यहाँ थोड़ा लेट है, मैं आपको थोड़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरे को अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो एड्स वगैरह जो भी कुछ दे रखा है, एडसेंस जो मेल आता है वो पूरा मेल हमें दे रखा है। तो चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ अपनी लिरिक्स जनरेटेड डॉट ऑनलाइन साइट को कि उस पर एड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने उस पर सेटअप कर लिया है पूरा। तो यहाँ पर मैंने सर्च करा लिरिक्स जनरेटेड डॉट ऑनलाइन, तो देखिए यानी कि मैंने अपनी साइट गूगल पर भी इंडेक्स कर रखी है। मैं आपको भी बताऊँ किस तरीके से अपनी साइट को गूगल पर इंडेक्स कर सकते हैं, मैनुअली इसको ला सकते हैं कि कोई बंदा सर्च करता है तो मेरी साइट भी अपनी लिस्टिंग में आए, गूगल की लिस्टिंग में आए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा आपको सर्च कौन सोल सर्च करना होगा, और यहाँ पर आता है हमारा गूगल सर्च कॉन्सोल। तो आपको इसके थ्रू अपनी साइट को गूगल पर इंडेक्स कराना होता है। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं अपनी आने वाली सीरीज में, किस तरीके से आपको इंडेक्स करना है क्या नहीं करना, इन सारे टूल्स को मैनेज करना सिखाने वाले हैं अपनी साइट से रिलेटेड। तो चलिए मैं आप अपनी साइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको अपनी लिरिक्स जनरेटेड डॉट ऑनलाइन। तो ये हमारी कुछ साइट है और देखिए यहाँ पर खोलते ही गूगल एड्स आ चुके हैं। तो अभी मैं इन पर क्लिक नहीं करने वाला क्योंकि सेल्फ क्लिक गलत है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ दो एड्स आ चुके हैं और यहाँ पर ये मेरी कुछ पोस्ट है, इस पोस्ट को मैंने पिन कर रखा है अपनी पुरानी पोस्ट को। एंड यहाँ पर ये कुछ सॉन्ग्स है, यहाँ पर देखिए ये एड आ रहा है फिल्मोरा 9 का, एंड ये नीचे और एड नहीं है अभी मेरे यहाँ पर। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सेट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत वर्क करा है, आपको दिखाऊंगा मैं कितनी पोस्ट पे अप्रूवल मिला एंड क्या हुआ था। तो उससे पहले मैं आपको चलिए एक पोस्ट कोई भी है रैंडम पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, चलिए इसे ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पर एड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलिए मैंने एक सॉन्ग का जो पोस्ट ओपन करी और यहाँ पर देखिए एड्स आ गई, पोस्ट ओपन करते ही एड्स आ गए, ये टू एड्स आने लग गए मेरे। एंड तीसरा एड यहाँ पर नीचे आ रहा है कमेंट्स के नीचे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दी कि ये मेरी वेबसाइट थी, मतलब मैंने लिरिक्स जनरेटर लिरिक्स से रिलेटेड बनाई क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग है, उस पर अप्रूवल लेना भी काफ़ी ईजी है, मैं आपको वेबसाइट पर अप्रूवल दिलवाऊंगा ये अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं। मैं अगली सीरीज से आपको बिल्कुल डिटेल से स्टार्टिंग से लेके चलूंगा एंड तक, वैसे एंड तो है ही नहीं, ये इनफाइनाइट लेवल है, आगे इनफाइनाइट है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेरी साइट है लिरिक्स जनरेटर डॉट ऑनलाइन, मैंने सेलेक्ट कर रखी है और यहाँ 60 पोस्ट डाल रखी है मैंने। वैसे जिस दिन मैंने अप्रूवल लिया था उस टाइम पे मेरी कुछ 49 to 50 पोस्ट, शायद 50 पोस्ट थी, इनमें 50 पोस्ट पर अप्रूवल मिला। तो हाँ मैं आपको बता दूँ 20 पोस्ट पर भी अप्रूवल मिलता है अगर आप अपनी कंटेंट वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि हर पोस्ट में 1000 वर्ड्स होते हैं, बट ये लिरिक्स वेबसाइट है, यहाँ पर लिरिक्स होती हैं कोई 200 वर्ड कोई 100 वर्ड, इस तरीके की उनके वर्ड की लेंथ होती है। तो इसलिए मेरे को 50 पोस्ट डालनी पड़ी थी। तो मैं आपको भी प्रेफर करूँगा 50 पोस्ट पर ही ट्राई करें, मैंने 50 पोस्ट से पहले नहीं ट्राई करा, मैंने पहले अटैम्प्ट में ही मेरे को पर साइट पर जो लिरिक्स जनरेटर डॉट ऑनलाइन है मेरे को अप्रूवल मिल गया। एंड यहाँ पर मैंने कुछ पेजेस ऐड करे, मैं आपको पेजेस के लिए भी टूल्स देने वाला हूँ फ्री में बिल्कुल, DMCA अबाउट अस कॉन्टेक्स्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी, जितने भी पॉलिसी पेजेस हैं मैं इनको आपको टूल दूंगा 100% फ्री। वहाँ से अपने जो भी मतलब पॉलिसी पेजेस है, जो भी टूल्स हम यूज़ में लेने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं टूल्स का लिंक देता जाऊँगा और आपको उसका यूज़ भी बताऊँगा किस तरीके से करना है, एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, कोई पेड कोर्स खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना, 100% सब कुछ फ्री होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश किया मैं आपको सब कुछ फ्री ही देने वाला हूँ।
चलिए मैंने आपको मेल दिखा दिया, आपने आपको ब्लॉगर पे दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्च कॉन्सोल। मैंने आपको बता दिया कि सर्च कॉन्सोल में इंडेक्स कराना पड़ता है। एंड अभी मेरी एक और वेबसाइट है स्काई टेकेक्स, तो मैंने आपको दिखाया अभी जो मेरी साइट है ये लिरिक्स वाली, लिरिक्स जनरेटर डॉट ऑनलाइन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डोमेन है मेरा लिरिक्स जनरेटर डॉट ऑनलाइन है। एंड सेम मेरी स्काई टेकेक्स डॉट टेक साइट है वो दूसरी है। तो क्या कहते हैं दोनों में मतलब मैंने डोमेन डॉट कॉम डॉट इन नहीं लिया, मेरे पास डॉट इन की है, बट अभी इसको मैं सीक्रेट रखने वाला हूँ, आपको शायद बहुत लोगों को पता भी होगी। तो ये वेबसाइट्स मेरे को मात्र 100 रुपये के अंडर मिली है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के ब्लो। अगर आपको भी अपनी एक साइट परचेज करनी है 100 रुपीज़ के ब्लो, अपना डोमेन खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको अभी नहीं करनी तो आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से परचेज करते हैं एंड अपने जो ब्लॉगर से कैसे लिंक करते हैं। तो मैं आपको आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए जो मेरी फ्री ब्लॉग फ्री जो मेरे को डोमेन ब्लॉगर ने दी थी उसमें ब्लॉग ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ होता है, वो ब्लॉगर ने हमें दी थी। यहाँ पर मैंने अपनी ऐड की है लिरिक्स जनरेटर डॉट ऑनलाइन। मैं आपको बताऊँ किस तरीके से ऐड करते हैं, क्या क्या करना होता है जिससे दोनों हमारी मिलकर काम करें। डोमेन जो हम थर्ड पार्टी से लेते हैं उसको ब्लॉगर में कैसे ऐड करें वो भी बताने वाला हूँ मैं अगली सीरीज में। तो अभी यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि भाई डॉट ब्लॉग स्पॉट पर हमें अपना क्या कहते हैं एड्स नहीं आते, अप्रूवल नहीं मिलता। तो भाई वो बिल्कुल गलत है, आपको उस पर भी अप्रूवल मिलता है, बट यहाँ पर वर्क जो हमें ज़्यादा करना होता है। एंड मेन बात यह है मैंने अगर 50 पोस्ट पर अपने साइट पर अप्रूवल लिया तो वहाँ आपको 100 पोस्ट डालनी होंगी। कुछ इफेक्ट पड़ता है भाई, मतलब पैसे दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसका फ़र्क है ही ना। तो यहाँ पर डॉट ब्लॉग स्पॉट हटा देंगे तो हमें जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, इसलिए मैंने डॉट ऑनलाइन खरीदा। और यहाँ पर मेरा दूसरी जो साइट है स्काई टेक डॉट टेक, अभी इसमें अप्रूवल नहीं लिया मैंने कहीं से पोस्ट डाल रहा हूँ मैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये मेन पेज पर आप कैसे शो करा देते हो, प्राइवेसी पॉलिसी भी मेरा यहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस भी आ रहा है, स्केचवेयर का ये यहाँ पे आ रहा है, इसमें मैं ऐप बनाना सिखाने वाला हूँ, एंड अबाउट सारी चीज़ मतलब एक ही पेज पे आ रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं जैसे कि अभी मेरी इस वाली वेबसाइट पर नहीं आया, जनरेटर वाली पर मेरी नहीं आ रहा, तो ये कैसे लाना, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप पैसा ला सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा खास वर्क नहीं करना, एंड फुली ब्लॉगर पर वर्क करने वाले हैं और फ्री में वर्क करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से ऐड करनी है, किस तरीके से अपने साइट का SEO करना है, किस तरीके से ट्रेंडिंग में लाना है, उसको किस तरीके से इतने लेवल का बना देना है अपनी वेबसाइट को कि उससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें। तो अगर आपको सारी वीडियोज़ चाहिए हमारी एंड टाइम टू टाइम आप अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। एंड मैं आपके साथ अपनी अर्निंग के प्रूफ्स भी शेयर करने वाला हूं, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी सारी अर्निंग्स के प्रूफ जो भी आएगी मेरी आपको शेयर करूंगा। तो यहां पर अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ बेसिक चीज़ और बता दूं, साइट हमारी यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। साइट बनाने के बाद सॉरी ब्लॉगर जैसे हमने बनाया, एक ब्लॉगर पर अकाउंट क्रिएट किया, एक डोमेन ऐड करी, डोमेन ऐड करी सिंपल, कोई ब्लॉगर की डिफॉल्ट डोमेन है डॉट ब्लॉग स्पॉट करके हमने बना ली, कुछ नहीं डाला पोस्ट उस पर। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी थीम सेलेक्ट करने की, हमारा थीम ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल पर आसानी से खुले, डेस्कटॉप पर आसानी से खुले, यूज़र को अच्छा लगे, यूज़र अट्रैक्टिंग हो, इस तरीके का कुछ हमारा थीम होना चाहिए। वो हम आपको बताएंगे इस तरीके का कौन सा थीम बेस्ट है फ्री में, और एंड पेड थीम भी बताने वाले हैं आपको। उसके बाद आती है हमारी बात यूज़र फ्रेंडली के बाद पेजेस ऐड करना, पेजेस आपको ऐड करने ही पड़ेंगे, DMC ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों पेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड गूगल आजकल मैं देख रहा हूँ, मैंने सुना है ज़्यादातर, मैंने देखा भी है कि जिस साइट पर ये पेजेस होते हैं उस पर अप्रूवल मिलने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको उसका टूल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आप ईजिली इनको क्रिएट कर सकते हैं अपनी साइट के अकॉर्डिंग, एंड कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल फ्री टूल मिलने वाला है। अब यहाँ पर पेजेस के बाद हमारी अगली बात आती है कुछ पोस्ट, पोस्ट डालनी है इस तरीके से, उसमें कुछ कीवर्ड्स हो, कुछ लेबल्स हो, कुछ बढ़िया तरह से पोस्ट बनानी है, अपना खुद का कंटेंट डालना है। लिरिक्स वाली में आप कॉपी कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट से, लेकिन वो एक तरह से कॉपी नहीं होता क्योंकि लिरिक्स हर सॉन्ग की सेम ही रहती है, अगर कोई सॉन्ग है तो उसकी लिरिक्स सेम ही रहेगी, तो वो कॉपीड कंटेंट में नहीं आता एक तरीके से आपको, लेकिन अपनी साइड में कीवर्ड्स डालने हैं। उसके बाद आपका आता है सर्च कंसोल की इंडेक्सिंग, वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना है एंड अपनी वेबसाइट को शो कराना है टॉप पेजेस में। किसी ने सर्च करा गूगल पे पहला कीवर्ड जो भी आपका ऐसे मान के लिए म्यूजिक है तो उस पर पहले पेज पे ही आपकी वेबसाइट आ जाए, तो वो सब हम करेंगे सर्च कंसोल से, और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एंड क्या करना है क्या नहीं करना।
तो अभी आज की दिवस इतना ही, मैं आपको इतना ही बताऊँ। और बता मतलब कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हमें ऐड करना होता है, मेटा टैग वगैरह, ये सब मैं आपको आगे आने वाली सीरीज में सब पता करने वाला है धीमे धीरे, सॉरी पता चलने वाला है धीमे धीरे, आपको सब समझ आने लगेगा। एंड एट द एंड मेरे ख्याल से आपको शायद 10वीं या 15वीं वीडियो तक मैं डालूंगा, उसी में अगर आपने फॉलो कर लिया, 10 या 15 वीडियो फॉलो कर ली, मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, आप सिर्फ उन वीडियो को फॉलो कर लें, 10 वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा जो मेन स्टार्टिंग है। उस वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका गारंटेड एडसेंस अप्रूवल है। हाँ, आप महीनों तक टाइम मारते हैं, अपना टाइम गवाते हैं, सालों तक वर्क करते हैं, बट आपको फ्री अब एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलने वाला। ये 10 वीडियो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मैं 1 महीने के अंदर डाल दूंगा लगभग, अगर अगर आप उसके बाद देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन में सारी वीडियो आराम से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड मुश्किल से आप 1 दिन में एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपने सारा वर्क कर लिया है, आज अप्लाई करेंगे आप, एडसेंस प्रोसीजर फॉलो करेगा अपना, मतलब जो भी उनके रूल्स है फॉलो करेगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट को देखेगा और आपको अप्रूवल मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। बस आपको जो मेन वर्क है वीडियो फॉलो करें, कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कमेंट नहीं आपको सेफ लगता है या जो भी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी आस्क करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी सारी डिटेल्स दे दूंगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको जो भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कोई क्वेरी हो कमेंट करें। एंड वीडियो को एंड तक आपने देख ही लिया, आगे वाली वीडियो जो आएंगी उनको भी देखें, आपको एडसेंस अप्रूवल गारंटेड मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बोलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।